बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्माइली फूड। और मैं हूँ नाहिद। आज हम बनाएंगे हरे मसाले के गोश्त का सालन। लाल मिर्च का रसे वाला सालन तो हम खाते ही रहते हैं, लेकिन आज हम बनाएंगे हरे मसालों से भरपूर जायकेदार मटन का सालन। सूखे मसाले वाला और टेस्टी खाने वालों के लिए बिल्कुल ये परफेक्ट रेसिपी है। तो चलिए इस विंटर स्पेशल हरे मसालों के सालन को मैं किस तरह बनाती हूँ देख लेते हैं। हरे मसाले का गोश्त बनाने के लिए गैस पे मैंने एक कुकर रखा है, उसमें डालेंगे हम 2 चम्मच तेल। तो अभी तेल में कम ले रही हूँ क्योंकि यहाँ पर गोश्त को हम पहले उबालेंगे, बॉईल करेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने 1/2 किलो मटन लिया है, इसे धोकर मैंने जाली वाले बर्तन में रख दिया था ताकि इसमें से सारा पानी निकल जाए। तो गोश्त डाल देते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ ही में 2 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देते हैं। यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए काट कर, ये डाल देते हैं। और टमाटर जल्दी से नरम हो जाए इसके लिए टेस्ट के मुताबिक नमक डालेंगे हम। एक बार मिक्स कर लेते हैं। तो चलिए ये टमाटर नरम हो रहे हैं वहाँ तक हम इसका हरा मसाला तैयार कर लेते हैं। हरे मसाले के लिए यहाँ पर मैंने 1/2 गड्डी फ्रेश हरा धनिया ली हूँ, तो डंडियों के साथ ले लेना है, डंडियों में बहुत अच्छा फ्लेवर रहता है। और देखिए यहाँ पर मैंने 12 से 13 हरी मिर्च लिए, तो ये बहुत ज़्यादा तेज़ वाली हरी मिर्च नहीं है, तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से हरी मिर्च को ले लें। और 1 मुट्ठी भर के फ्रेश पुदीने के पत्ते लिए मैंने। और यहाँ पर मेरे पास देखिए सीज़न का जो हरा लहसुन आता है ना फ्रेश वाला, तो ये ले लिया है, ये देखिए इस तरह से। तो अगर सीज़न नहीं है फ्रेश लहसुन का, तो आप जो नॉर्मल लहसुन आता है उसका पेस्ट, यानी हमने जो पहले अदरक लहसुन डाला है तो वही ले सकते हो। तो यहाँ पर मैंने फ्रेश हरा लहसुन भी ले लिया है, इसे हम काट कर पीस लेंगे। और यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ की प्याज ले ली है मैंने बड़े टुकड़ों में काट कर। 1/2 नींबू का रस डालेंगे हम और 1/2 चम्मच हल्दी डालेंगे। नींबू का रस डालने से और हल्दी डालने से हमारा जो हरा पेस्ट है वो ज़्यादा देर तक हरा रहेगा, और जो हम हरे मसाले का सालन बना रहे हैं तो वो ज़्यादा देर तक ग्रीन रहता है। तो मिक्सर जार में ये सभी चीज़ों को हम डालकर और 1 से 2 चम्मच पानी डालकर इसका पेस्ट तैयार कर लेते हैं। तो देखिए सभी चीज़ों को मैंने पीस कर तैयार कर लिया है, और नींबू और हल्दी डालने की वजह से आप देख सकते हो कि कितना ग्रीन कलर अच्छा बढ़िया सा दिख रहा है। ये ग्रीन कलर ज़्यादा देर तक रहेगा नींबू और हल्दी डालने की वजह से। तो अभी ये पेस्ट देख सकते हो आप, 1-2 चम्मच पानी डालकर मैंने पीस ली हूँ। अगर आपके घर में फैमिली मेम्बर ज़्यादा हो तो आप ग्रेवी बढ़ाना चाहते हो तो थोड़े से पालक की भाजी के पत्ते भी डालकर ये मसाले में पीस सकते हो। तो अब ये ग्रेवी रेडी है हमारी, मटन को भी देख लेते हैं। अब गैस की फ्लेम मैं मीडियम कर दूंगी, और टमाटर को भी देख सकते हो आप कि अच्छी तरह से घुल गए हैं, नरम हो गए इसमें, और मटन का कलर भी चेंज हो गया है, मटन में से काफ़ी सारा पानी निकलता है। अब जो हमने हरा मसाला बनाकर रखा है ये डाल देते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने 3 से 4 चम्मच फ्रेश दही ली हूँ, इससे टेक्सचर बहुत ही बढ़िया आ जाता है। और देखिए जो हम ग्रीन बना रहे हैं सालन, तो ग्रीन कलर भी उससे ज़्यादा देर तक ही रहेगा, क्योंकि अक्सर क्या होता है हम हरी मिर्ची का सालन बनाते हैं ना तो वो थोड़ा काला पड़ने लगता है, लेकिन दही की वजह से कलर भी बढ़िया रहेगा। 1 चम्मच भर के धनिया पाउडर डालेंगे, अब इसे मिक्स कर देते। अब इसमें बहुत ज़्यादा हमें पानी नहीं डालना है क्योंकि हमने इसमें प्याज पीस कर डाली है, टमाटर है, दही है और मटन का भी पानी है, तो उसी में हमारा मटन गल जाएगा। तो ये मिक्सर जार है, उसी में मैं 1/2 ग्लास पानी डाल देती हूँ ताकि मसाला हमारा वेस्ट ना हो। सर्दियों के सीज़न में सभी चीज़ें बहुत ही अच्छी फ्रेश आती है, तो आप इस तरह से एक बार हरे मसाले का मटन ज़रूर बनाइए। इसे मिक्स करेंगे, बहुत ज़्यादा पहले से ही पानी डाल दोगे तो फिर मसाले को हमें इसमें जो पानी होगा उसे सुखाना पड़ेगा। अब कुकर का ढक्कन लगा देंगे हम, और मीडियम फ्लेम पर 5 से 6 सीटियाँ ले लेनी है जहाँ तक गोश्त गलता है वहाँ तक। तो कुकर पे भी डिपेंड होता है, गोश्त पर भी डिपेंड होता है कि गोश्त गलने में कितना टाइम लेगा, तो मीडियम आँच पर गोश्त को अच्छी तरह से गला ले। यहाँ पर कुकर की 6 सीटियाँ हो गई थी तो मैंने गैस बंद कर दिया था और प्रेशर सारा निकल गया, तो गोश्त को चेक कर लेते हम। माशाल्लाह ये पक रहा था जब ही से, इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी, आप जब पकाओगे तभी आपको पता चलेगा। तो गोश्त को भी चेक करके बता देती हूँ मैं आपके सामने, थोड़ा सा पानी डाल के मैं चेक करके बता देती हूँ क्योंकि अभी बहुत गर्म है।
ये देखिए गोश्त बहुत अच्छी तरह से गल गया है। तो अब ये गोश्त की हमें अच्छी तरह से भुनाई करनी है, क्योंकि हमने अभी तक मसाले की भुनाई नहीं की है। तो एक बड़ा सा चौड़ा पैन ले लेना है हमें, आप कोई भी कढ़ाई वगैरह ले सकते हो। तो गैस पे कोई भी चौड़ा सा पैन या चौड़ी कढ़ाई ले ले आप, चौड़ा सा कोई भी बर्तन हो, उसमें अब तेल डालेंगे हम। तो यहाँ पर 4 से 5 बड़े चम्मच मैंने तेल डाल दिया है। तेल को अच्छी तरह से हम गरम कर लेते हैं। तेल गरम हो गया है, इसमें कुछ खड़े गरम मसाले डालेंगे। तो 2 से 3 यहाँ पर तेज पत्ता लिया है, 3 लौंग है, और यहाँ पर 8 से 9 काली मिर्चें है, काली मिरी यानी, और 2 दालचीनी के टुकड़े ये डाल देते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये खड़े मसालों का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाएगा हमारे तेल में। तो थोड़ा सा इसे फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए खड़े मसाले यहाँ पर फ्राई हो गए हैं। अब इसमें डालेंगे हम 2 मीडियम साइज़ की प्याज। तो यहाँ पर प्याज को बारीक काट लिया है, प्याज को हमें अच्छा सा गोल्डन होने तक फ्राई करना है। तो इस तरह से चलाते हुए हम प्याज को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। मैंने इसमें 2 तरह की प्याज डाली है, यानी जब हमारा गोश्त बॉईल हो रहा था तो प्याज को पीस कर डाली थी, उसका फ्लेवर अलग आएगा, और इस तरह से हम जब प्याज को फ्राई करके बिरस्ते की तरह बना कर लेते हैं ना, तो उसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। ये देखिए प्याज यहाँ पर हल्की लाल हो गई है, उस टाइम पर 1 चम्मच हम कसूरी मेथी डाल देंगे, ताकि ये भी अच्छी सी फ्राई हो जाए और इसकी भी हमारे सालन में खुशबू आ जाए। थोड़ी देर हम प्याज को और फ्राई करते हैं। ये देखिए प्याज अच्छी तरह से गोल्डन हो गई है। अब इसमें हम जो हमने मसाले वाला गोश्त उबाल के रखा है डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। साथ ही में हम 3 से 4 हरी मिर्चें डाल देंगे डंडियों के साथ। तो अगर आपके घर में कोई तीखा खाना ज़्यादा पसंद करता है तो इस तरह से डंडियों के साथ डाल दे, ताकि जो मिर्ची है वो थोड़ी नरम हो जाए। मैंने गैस की फ्लेम मीडियम कर दी थी, ताकि हमारे मसाले जले नहीं, प्याज जले नहीं। ये देखिए इसमें थोड़ा मसाला है, तो मैं थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ इसमें। यहाँ पर हमें मसाले की अच्छी तरह से भुनाई कर लेना है, ताकि पूरे पूरे मसाले का फ्लेवर हमारे मटन में अच्छे से आ जाए। तो यहाँ पर धीमी आंच करके हमें मसाले को 4 से 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लेना है। और ये जो हरे मसाले का मटन होता है ना, वो थोड़ा सा सूखा सूखा, और ये मसाला थोड़ा सा मटन में लुतपुता सा होता है। तो आप चाहे तो थोड़ा पानी डाल सकते हो, लेकिन इसी तरह से इसे खाया जाता है। तो बस 4 से 5 मिनट के लिए इसे हम और भून लेते हैं। तो यहाँ पर मसाले को भूनते हुए 5 से 6 मिनट हो गए हैं, और आप देख सकते हो कि कितना बढ़िया कलर दिख रहा है। हमने जो दही डाला था ना, उसी की वजह से ये हमारा येलो और ग्रीन कलर का सालन बनकर तैयार हुआ है। वरना क्या होता है, हरे मसाले का सालन बनाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा डार्क कलर हो जाता है। तो अब लास्ट में हम छोटा 1/2 चम्मच गर्म मसाला पाउडर डालेंगे, और बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देते हैं, और इसे मिक्स करके गैस बंद कर देंगे। और आप देख सकते हो कि गर्मा गर्म ये हरे मसाले का सालन हमारा बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। आप इसे गेहूं की रोटी, बाजरे की रोटी, मकाई की रोटी, किसी के भी साथ खाइए, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। और सर्दियों के सीज़न में सब हरी हरी सब्ज़ियाँ आती है, तो आप इस तरह से एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई करना, ये बहुत ही अच्छा लगता है। क्योंकि अक्सर हम लोग लाल मिर्ची वाला गोश्त का सालन तो बनाते खाते ही रहते हैं, लेकिन इस तरह से हरी मिर्च वाला, हरे मसाले वाला ये सालन बनाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है। और ठंडा होने के बाद इसमें से तेल थोड़ा और निकलता है। तो अभी आप देख सकते हो कि इस तरह की ये ग्रेवी है हमारे हरे मसाले के सालन की। तो चलिए गर्मा गर्म हम इसे डिश आउट कर लेते हैं।